हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द पूजास किचन। आज मैं आपके लिए सोया चंक मंचूरियन बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। प्रोटीन से भरपूर यह रेसिपी का एक अलग टेस्ट है जो आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी रेसिपी जब भी आ रही है आपको पता लग सके। तो चलिए सोया चंक मंचूरियन बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ 1 बाउल सोया चंक्स लिए हैं। ये देखिए कुछ इस तरह के होते हैं। अब इन्हें हम बॉईल करेंगे। इसके लिए हमने एक कढ़ाई में 4 कप पानी लिया है। अब इसमें हम 1/2 चम्मच नमक डालेंगे और सोया चंक्स डालेंगे और उन्हें हाई फ्लेम पर बॉईल करेंगे। बॉईल करने से सोया चंक्स हमारी जल्दी से पकेंगे, इसीलिए हम इसे पहले बॉईल कर रहे हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से हमें इन्हें बॉईल करना है ताकि ये अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए। यदि आप इन्हें बॉईल करना नहीं चाहते हैं तो आप इन्हें 1 घंटे के लिए सॉक करके भी रख सकते हैं। ये देखिए सोया चंक्स हमारे बढ़िया तरीके से बॉईल हो गए हैं, ये बढ़िया से फूल गए हैं। अब इन्हें हम निकाल लेंगे। ये देखिए हमने सारे सोया चंक्स निकाल लिए हैं। अब इन्हें हम कुछ देर ठंडा होने देंगे। सोया चंक्स हमारे ठंडे हो गए हैं। अब इसमें से हम एक्स्ट्रा पानी को निकाल लेंगे। इस पानी को निकालना हमें जरूरी होता है। ये देखिए इसमें जितना भी सारा येलोइश पानी था उसे हमने निकाल लिया है। सोया चंक्स हमारे रेडी हैं। अब इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे, 1 टीस्पून सॉल्ट डालेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर डालेंगे और हल्का सा पानी डालेंगे और इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए सोया चंक्स हमारे बढ़िया तरीके से मैरिनेट हो गए हैं। अब इन्हें हम फ्राई करेंगे। इसके लिए हम एक फ्राई पैन में ऑयल डालेंगे और उसे गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें हम सोया चंक्स डालेंगे और मीडियम फ्लेम पर इन्हें फ्राई करेंगे। इन्हें हमें बहुत अच्छी तरीके से फ्राई करना है ताकि इसका कलर चेंज हो जाए और यह एकदम क्रिस्पी लगे। ये देखिए इनमें बढ़िया सा कलर आ गया है और यह देखने से ही लग रहे हैं ये कितने क्रिस्पी होंगे। बस अब इन्हें हम निकाल लेंगे। और ये सोया चंक्स कितने बढ़िया लग रहे हैं। इसी तरह से हम अब नेक्स्ट पेज फ्राई करेंगे। आप यहाँ पर इन्हें डीप फ्राई करने के बजाय इन्हें शैलो फ्राई भी कर सकते हैं तो भी यह बहुत अच्छे लगेंगे। मैं इन्हें डीप फ्राई कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसे ही पसंद है। और देखिए हमारे नेक्स्ट पेज भी फ्राई होकर रेडी हैं। और देखिए यह कितने क्रिस्पी और यम्मी लग रहे हैं। अभी हम इन्हें साइड में रख देंगे और सॉस रेडी करेंगे। तो सॉस बनाने के लिए सबसे पहले हम फ्राई पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे और उसे मीडियम फ्लेम पर गर्म करेंगे। यहाँ पर हमें ऑयल को हल्का ही गर्म करना है। ऑयल हमारा हल्का गर्म हो गया है। अब इसके अंदर हम 1 चम्मच कटी हुई लहसुन डालेंगे और इसे फ्राई कर लेंगे। इसे हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। ये देखिए लहसुन हमारी हल्की फ्राई हो गई है। अब इसमें हम 1 चम्मच किसी हुई अदरक डालेंगे और उसे भी हल्का फ्राई कर लेंगे। इन्हें हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है क्योंकि हमें इसमें थोड़ा क्रंची टेस्ट चाहिए। अब इसके अंदर हम 1 चम्मच कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और उसे भी फ्राई कर लेंगे। अब इसके अंदर हम 1 कटा हुआ प्याज डालेंगे। देखिए मैंने इस तरह से इसे लेयर्स में कट किया हुआ है और इसे फ्राई करेंगे। इसमें हमें किसी भी वेजिटेबल्स को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, इसे हमें हल्का क्रंची ही रखना है तभी हमारा मंचूरियन एकदम टेस्टी लगेगा। प्याज हमारे हल्के फ्राई हो गए हैं। अब इसके अंदर हम 1 कटी हुई शिमला मिर्च डालेंगे जिसे मैंने इस तरह स्क्वायर्स में कट किया हुआ है और 20 सारे इसके अलग कर दिए हैं।
इसे भी हमें हल्का फ्राई करना है ताकि मंचूरियन में जो क्रंची टेस्ट आता है वह आ सके। यहाँ जो शिमला मिर्ची हमारे हल्के फ्राई हो गए हैं, अब इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून ग्रीन चिली सॉस डालेंगे, 1 टेबल स्पून रेड चिली सॉस डालेंगे, 2 टेबल स्पून सोया सॉस डालेंगे। अब इन सभी को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप यहाँ पर टोमेटो सॉस भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरा रेड चिली सॉस थोड़ा स्वीट है, वह ज़्यादा तीखा नहीं है, इसलिए मैं यहाँ टोमेटो सॉस का यूज़ नहीं कर रही हूँ। अब इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून विनेगर डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी अच्छी रहे इसलिए हम इसमें हल्का सा पानी ऐड करेंगे और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए हमारा सॉस कितना बढ़िया लग रहा है। अब इसके अंदर हम हमारे फ्राइड सोया चंक्स को ऐड करेंगे और अच्छी तरह से सॉस में मिक्स कर लेंगे ताकि इसका टेस्ट सब में इवनली आए। ये देखिए, देखने में यह कितने यम्मी लग रहे हैं। यहाँ आप सॉस को अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ मैं सॉल्ट का अलग से यूज नहीं कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी सारे सॉसेस में सॉल्ट रहता है और बॉईल करते समय भी मैंने सॉल्ट का यूज़ किया है। और हमारा क्रिस्पी टेस्टी यम्मी सोया चंक मंचूरियन बनकर तैयार है। यह देखने में कितना बढ़िया लग रहा है। अब इन्हें हम एक सर्विंग बोल में निकाल लेंगे। इसे आप स्प्रिंग अनियन के साथ गार्निश कर सकते हैं, मेरे पास वह अवेलेबल नहीं था इसलिए मैंने नहीं डाला। इसे आप कभी भी बनाकर खा सकते हैं, यह खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इसे आप बर्थडे पार्टी में, किटी पार्टी में कभी भी बनाकर एंजॉय कर सकते हैं और अपने गेस्ट को खुश कर सकते हैं। अगर आपको यह सोया चंक मंचूरियन की रेसिपी पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ऐसी रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।